Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 3 by Brain Root series and here is the book Science Spark. Today we are going to start chapter number 3 and the name is Housing and Clothing. So yes, we are going to learn how can we house and different types of clothes we wear. So we are going to learn about houses, a good house. Good house kya hota hai? Keeping the house clean, how can we keep our house clean? Clothing kya hai, natural fibers kya hai and man-made fibers kya hai. So these all topics we are going to learn in this chapter. So let's start with the warm-up. Given below are some houses. Yahan pe kuch ghar diye gaye hain. The related words are also given. Aur usse related kuch words diye gaye hain. Write the correct number in the box. Aur jo correct number hai inka, yahan pe hume box mein likhna hai. तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्नो है फर्स्ट नंबर. सो स्नो इज नंबर वन. दिस इज ऑफ स्नो. हिल, हिल पे कैसे घर बनते हैं? दिस नंबर टू. रेन में कैसे घर बनते हैं? ऐसे स्टिल्ट हाउस बनते हैं, नंबर थ्री. मड, मिट्टी के घर कहाँ हैं? ये है नंबर फोर. एंड प्लेन्स, प्लेन एरिया में ऐसे घर बनते हैं, नंबर फाइव. So these are the numbers, you have to mention them like this. Now children, we all need a house to live in. Agar hume rehna hai to hume kya chahiye? Ek ghar chahiye. It protects us from heat, cold, rain, wild animals and thieves. Ye hume in sab cheezon se bachata hai, hume garmi se bachata hai, hume sardi se bachata hai, hume jo hai rain se bachata hai, hume thieves, choron se bachata hai, animals se bachata hai. So people are living in different region and climate make different kinds of house. अब अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग अलग अलग तरीके के घर बनाते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं किन किन तरीकों के घर होते हैं. So the first topic is houses. Have you seen street dwellers? क्या आपने street dwellers को देखा? Street dwellers क्या होते हैं? Street मतलब रास्ते पे, dwellers means सामान बेचने वाले. सो जो रास्ते पे सामान बेचने वाले लोग होते हैं, दे लिव अ हार्ड लाइफ बिकॉज दे डू नॉट हैव हाउस टू लिव इन. ये लोग जो है अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल से बिताते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं होता है रहने के लिए. हाउसेज आर प्लेसेज वेयर वी लिव. हाउस वो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं. दीज आर आवर होम्स. ये हमारा घर होता है, होम होता है. We live with our families in our houses. हम अपनी फैमिली के साथ हम अपने घरों में रहते हैं. Our houses keep us safe from harm. हमारे जो घर हैं हमें किसी भी नुकसान से, harm मतलब नुकसान से बचाते हैं. They protect us from bad weather condition, thieves and animals. ये हमें बुरे weather condition से बचाते हैं, ये हमें thieves से means चोरों से बचाते हैं और animals से जंगली जानवर से बचाते हैं. Now there are different types of houses. अलग अलग तरीके के houses होते हैं. कुछ house जो है bricks से बनते हैं, means ईंटों से बनते हैं. Some of mud, कुछ मिट्टी से बनता है. कुछ के जो है roofs जो होते हैं, means जो छत होती है वो sloping roof होती है, इसमें आराम से बारिश गिर सके, ice गिर सके. या फिर कुछ घर होते हैं जो cement के बनते हैं, कुछ snow के बनते हैं. और इस तरीके से बहुत सारे घर बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे कारवान है, शिकारा है, हट है. तो अलग अलग तरीके के घर हैं, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग बनते हैं, अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंग बनते हैं. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज अ गुड हाउस. एक अच्छा घर क्या होता है? सो अ गुड हाउस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स. एक अच्छे घर में ये सारे फीचर्स होने चाहिए जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं. तो पहला क्या है? अ वेल लिट हाउस. जो अच्छा घर होता है वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए. अ गुड हाउस शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ विंडोज एंड डोर्स सो दैट सनलाइट रीचेज इनसाइड द हाउस. तो एक अच्छा घर जो होता है उसमें बहुत सारे डोर और विंडो होने चाहिए ताकि सूरज की रोशनी घर के अंदर आ सके. सनलाइट कीप्स द हाउस ड्राई एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स. सूरज की रोशनी क्या करती है? घर को ड्राई रखती है, सूखा रखती है और जर्म से बचा के रखती है. सनलाइट इज अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट. सो सनलाइट क्या है? एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है. जैसे कि आपको घर में पोछा लगाती है मम्मी तो क्या करती है? उसमें फिनाइल डाल देती है, डिटॉल डाल देती हैं.
तो उससे क्या होता है, घर में पोछा लगाने के बाद जो सारे कीटाणु रहते हैं, जर्म्स रहते हैं, वो मर जाते हैं। तो सनलाइट क्या है, एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, ये आपके घर के कीटाणुओं को घर के अंदर ही आके मार डालता है। नेक्स्ट, एक अच्छा जो घर है वो कैसा होना चाहिए, एरी होना चाहिए, एरी हाउस। एरी मीन्स एयर से भरपूर होना चाहिए। सो अ हाउस शुड हैव एम्पल सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर थ्रू विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। सो ये जो घर है इसमें जो है एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जितने भी विंडोज हैं या जो वेंटिलेटर्स हैं उन सब जगहों से अच्छे रोशनदान जिसे आप कहते हैं उन सब से हवा पास ऑन होनी चाहिए। दिस हेल्प्स अस टू ब्रीथ वेल, जिसकी वजह से हम अच्छे से सांस ले सकते हैं। हाउस शुड ऑल्सो हैव ओपन स्पेसेस सच एज वरांडा, कोर्टयार्ड्स एंड बालकनी। सो ये जो घर होते हैं इनमें खुली जगह ओपन स्पेस होना चाहिए, वरांडा होना चाहिए, कोर्टयार्ड होना चाहिए, बालकनी होनी चाहिए, वेयर वी कैन गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट, जहाँ पे हम बहुत सारा फ्रेश एयर और सनलाइट ले सकें। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट तरीके का घर जो जिसे अच्छा कहा जाता है वो है अ नीट एंड क्लीन हाउस। साफ सुथरे घर को भी हम अच्छा घर कहते हैं। सो गुड हाउस शुड हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर स्लीपिंग। एक अच्छा घर होता है वहाँ पे सोने की अलग जगह होती है, कपड़े धोने की अलग जगह होती है, खाना बनाने की, खाने की, चीज़ों को स्टोर करने की, पढ़ाई करने की, लोगों से मिलने की अलग अलग जगहें होती हैं। दिस हेल्प्स टू कीप द हाउस ऑर्गेनाइज एंड नीट। इसकी वजह से क्या होता है, जो घर होता है वो ऑर्गेनाइज रहता है, नीट रहता है, साफ सुथरा रहता है। क्योंकि क्या होगा, जहाँ पे सोने का जगह है वहाँ पे हम सोएंगे ही और कोई काम नहीं करेंगे। वॉशिंग प्लेस पे हम सिर्फ कपड़े धोएंगे या चीज़ों को धोएंगे और हम कोई काम नहीं करते। कुकिंग वाले प्लेस पे कुकिंग का काम करते हैं, वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड चीज़ें आपको वहीं मिलेंगी। ईटिंग प्लेस में आपको ईटिंग से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, आप वहीं पे खाने का सारा काम करेंगे। स्टोरेज प्लेसेस में आपको स्टोरेज का सारा चीज़ें मिलेंगी। स्टडी प्लेस में आपको स्टडी से रिलेटेड सारी मटेरियल्स आपको वहीं पे अवेलेबल होंगे और आपका मन भी लगेगा। सो ये सारी जो प्लेसेस हैं इसीलिए घर में बनाई जाती हैं। द हाउस शुड ऑल्सो हैव डबल डोर्स, दैट इज अ वुडन डोर एंड अ डोर विथ अ वायर नेटिंग। सो जो घर है उसके अंदर दो दरवाजे होने चाहिए। पहला तो होना चाहिए एक वुडन डोर, एक जो नॉर्मल डोर होता है जिसमें आप लॉक लगाते हैं, और दूसरा जो डोर है वो एक वायर नेटिंग वाला डोर होना चाहिए, मीन्स जाली वाला डोर होना चाहिए, जिसमें आपको वायर लगी हो, नेट लगा हो, जाली लगी हो। विंडो शुड ऑल्सो हैव वायर मैश, और ये जो विंडोज है उसमें भी ये वायर मैश लगे होने चाहिए, इन ऑर्डर टू कीप द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे, जिसकी वजह से ये जो फ्लाई और मॉस्किटो हैं आपके घर में ना घुसें। फ्रेश एयर तो आए पर ये मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स आपके घर में ना आए। देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, आपके घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए टू कैरी अवे डर्टी वाटर, जिससे जो है डर्टी वाटर को वहाँ से ले जाया जा सके। द ड्रेन शुड बी कवर्ड प्रॉपरली, ये जो ड्रेनेज एरिया है इसे काफ़ी अच्छे से कवर करना होता है। दिस इज हाउ वी कैन कीप आवर हाउस पेस्ट फ्री। इसी तरीके से हम अपने घर में चूहों से या छिपकली से, ये जो पेस्ट होते हैं ना, इनसे बच सकते हैं। वी कैन ऑल्सो हैव ग्रीन प्लांट्स अराउंड आवर हाउस, प्लांट गिव अस फ्रेश एयर। हम अपने घर के आसपास हरे भरे पेड़ लगा सकते हैं और ये प्लांट्स क्या करते हैं, हमें फ्रेश एयर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कीपिंग द हाउस क्लीन, कैसे हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। अभी हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े कि एक अच्छा घर क्या होता है, अब घर को क्लीन रखना हमारे हाथ में, तो कैसे हमें घर को क्लीन रखना है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सो चिल्ड्रन, डस्ट द हाउस रेगुलरली, हमें क्या करना है अपने घर में रोज डस्टिंग करनी है, रेगुलरली डस्टिंग करनी, मीन्स जो धूल मिट्टी उसे उड़ा देना है, हटा देना है। मॉप द फ्लोर विथ वाटर एंड आ डिसइंफेक्टेंट टू कीप इट क्लीन, घर में पोछा लगाना है, मॉप मतलब पोछा लगाना। सो हम अपने घर में पोछा लगाना है किससे, पानी से और डिसइंफेक्टेंट से, टू कीप इट क्लीन एंड जर्म फ्री, ताकि उसे साफ रख सकें और जर्म से मुक्त रख सकें, फ्री रख सकें। द किचन एंड बाथरूम कैन गेट डर्टी वेरी फास्ट, तो हमारा जो किचन होता है और जो बाथरूम होता है वो सबसे जल्दी गंदा होता है। सो क्लीन देम
वेल रेगुलरली, इन्हें भी टाइम टू टाइम साफ करें. कीप द ड्रेन्स कवर्ड टू कीप अवे कॉकरोचेज एंड अदर पेस्ट. हमें हमारे जो भी ड्रेन्स हैं उसे कवर्ड रखना है ताकि कॉकरोचेज या फिर दूसरे पेस्ट हमारे घर में ना आए. यूज क्लोज गार्बेज बिन्स इंस्टेड ऑफ इनसाइड द हाउस टू कलेक्ट वेस्ट. अगर घर में आपने एक डस्टबिन रखा है तो वो क्लोज होना चाहिए, उसको बंद रखना है. एम्प्टी द बिन्स रेगुलरली. आपके जो डस्टबिन है उसे डेली क्लीन करें. नेवर थ्रो गार्बेज आउटसाइड. कभी भी गार्बेज मीन्स कूड़े को घर के बाहर ना फेंकें, एज इट कैन कॉज जर्म्स एंड इंसेक्ट्स टू इंक्रीज इन नंबर. जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने घर के बाहर फेंक दिया तो क्या होगा, जो भी जर्म्स हैं, जो भी इंसेक्ट हैं, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे नंबर में, तो वो आपके घर में ही आएंगे, आपको ही नुकसान है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डू एंड लर्न. सो व्हाट यू हैव टू डू योर चिल्ड्रन, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू यूज फॉर क्लीनिंग योर हाउस. घर को साफ रखने के लिए किन किन चीज़ों को आप यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट बनानी है. एंड स्टेट देयर इम्पॉर्टेंस, और वो चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं वो भी हम लिखेंगे. जैसे साफ रखने के लिए हमें एक ब्रूम की मीन्स झाड़ू की ज़रूरत होती है, हमें मॉप की ज़रूरत होती है, हमें वाइपर की ज़रूरत होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उनकी लिस्ट बनानी है और उनकी इम्पॉर्टेंस बतानी है. फिट वायर नेटिंग टू डोर्स एंड विंडोज टू कीप अवे इंसेक्ट्स. हमें क्या करना है, वायर नेट्स लगाने हैं अपने दरवाज़ों में, अपनी खिड़कियों में, ताकि इंसेक्ट्स हमारे घर से दूर रहें. कीप योर थिंग्स इन द प्रॉपर प्लेस. अपनी चीज़ों को उनकी सही जगहों पे रखें. एंड क्लीन अप अ मास इमीडिएटली. और तुरंत जो भी कूड़ा कचरा उसे साफ कर दें. दिस विल हेल्प टू कीप द हाउस टाइडी. अब ये सारे पॉइंट्स अगर हम फॉलो करते हैं चिल्ड्रेन, तो क्या होगा, हमारा जो घर है ना वो साफ रहेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि गर्ल जो है क्या यूज़ कर रही है, एक डस्टबिन यूज़ कर रही है जिसमें एक लिड लगा हुआ है. तो कूड़ा फेंकने के बाद ये सारा कूड़ा जो है डालने के बाद जो है ये डस्टबिन का जो ये ढक्कन है वो अपने आप बंद हो जाएगा. और यहाँ पे वायर नेटिंग लगी हुई है जिससे जो है मॉस्किटोज को अंदर आने से रोका जा रहा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. राइट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट इज ऑल हाउसेज आर बिग विथ मैनी रूम्स. क्या जितने भी घर हैं वो सारे बड़े होते हैं बहुत सारे कमरों के साथ? फॉल्स. अ गुड हाउस नीड नॉट बी एरी. एक अच्छा घर जो होता है उसमें हवा नहीं आती जाती रहती. अगेन फॉल्स. सनलाइट हेल्प्स टू किल जर्म्स. ट्रू, सनलाइट जर्म्स को मारता है. प्लांट्स अराउंड द हाउस मेक द एयर डर्टी. जो प्लांट्स हैं हमारे घर के आसपास वो एयर को क्या डर्टी करते हैं? फॉल्स, वो तो क्लीन करते हैं. लिविंग इन अ क्लीन हाउस मेक्स अस इल. अगर हम साफ घर में रह रहे हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, क्या ये सही है? नो, फॉल्स अगेन. नेक्स्ट कम्स क्लोथिंग. अब हमने अलग अलग तरीके के घरों के बारे में पढ़ा, उन एक अच्छा घर क्या होता है ये पढ़ा, और हमने पढ़ा कि कैसे अपने घर को साफ रखना है. अब हम पढ़ेंगे क्लोथिंग मीन्स अलग अलग कपड़ों के बारे में. सो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. क्लोथ्स क्या करते हैं, हमें बचाते हैं किससे? हीट, गर्मी से, ठंडी से और बारिश से. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. ये हमें इंसेक्ट बाइट से बचाते हैं, मीन्स जो मच्छर वगैरह काटते हैं ना वो नहीं काटते हैं अगर हमने प्रॉपरली ड्रेसअप किया है तो. When we wear cotton clothes in summer and woolen clothes in winter. हम क्या करते हैं, cotton clothes, cotton से बने हुए कपड़े summer में पहनते हैं और wool से बने हुए कपड़े हम winter में पहनते हैं. Clothes are made from fibers. ये जो कपड़े हैं पता है आपको किससे बनते हैं? ये fibers से बनते हैं. Now let's do this activity. You have to do this and learn. टेक अ थ्रेड. एक धागा लेना है, लुक एट इट केयरफुली, उसे ध्यान से देखना है. यू विल सी दैट इट इज फर्दर मेड विथ ट्विस्टेड थ्रेड्स. जब आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो धागा है बहुत सारे धागों को मोड़ मोड़ के बनाया गया है. अनवाइंड द ट्विस्ट ऑफ द थ्रेड. उस धागे के जो भी मोड़ा गया है उसे सीधा कर दो. यू विल फाइंड दैट इट इज मेड फ्रॉम मैनी थिन फाइबर्स. आप देखोगे कि बहुत पतले पतले धागों से वो धागा बनाया गया है, बहुत सारे पतले पतले फाइबर्स से वो धागा बनाया गया है.
ना चिल्ड्रन, डिफरेंट क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट फाइबर्स, अलग अलग कपड़े अलग अलग फाइबर से बनाए जाते हैं. वी गेट सम फाइबर फ्रॉम प्लांट्स एंड सम फ्रॉम एनिमल्स, लेट्स लर्न अबाउट देम. तो कुछ फाइबर्स हमें प्लांट देते हैं और कुछ हमें एनिमल्स देते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं कौन से हैं ये फाइबर्स. सो पहला आता है हमारा नेचुरल फाइबर. सो फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, ये नेचुरल फाइबर के अंदर आता है. नेचुरल मीन्स जो गॉड ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया है. सो ये जो पहला फाइबर है वो प्लांट फाइबर है जो भगवान ने बनाया है. कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर, ये जो कॉटन के जो कपड़े बनते हैं ना, ये कॉटन के फाइबर से बनते हैं. अब आप देखो, ये है आपके सामने कॉटन का प्लांट जिसमें व्हाइट व्हाइट कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं. ये क्या है? कॉटन है, फ्लावर नहीं है, कॉटन है. अब जो है इस कॉटन को लिया जाता है, इससे कॉटन का थ्रेड बनाया जाता है और फिर इन धागों से कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं. सो वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. जूट फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग बैग एंड क्लोथ्स. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जूट का प्लांट है, क्लियर. अब इसके जो है धागे निकाले जाते हैं, जूट का फाइबर निकाला जाता है ऐसे. अब इन जूट के फाइबर्स से धागे बना के ये जूट का बैग प्रिपेयर किया जाता है. सो जूट फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग बैग्स एंड क्लोथ्स, बैग और क्लोथ बनाने के लिए यूज किया जाता है. एंड वी गेट जूट फाइबर फ्रॉम जूट प्लांट, और ये फाइबर हमें जूट के प्लांट से ही मिलता है. नेक्स्ट आता है फाइबर्स फ्रॉम एनिमल. सो ये जो फाइबर है ये भी नेचुरल फाइबर में आता है. वुलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वुलन फाइबर, वुलन क्लोथ जो है वुलन फाइबर से बनाए जाते हैं. एंड वी गेट वुलन फाइबर फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड रैबिट. ये जो वुलन फाइबर है हमें शीप, गोट और रैबिट्स देते हैं. सिल्क क्लोथ्स आर मेड ऑफ सिल्क फाइबर, सिल्क के जो कपड़े हैं वो सिल्क के फाइबर से बनाया जाता है. और ये जो सिल्क फाइबर है हमें कौन देता है? एक इंसेक्ट देता है जिसे हम सिल्क वर्म कहते हैं. चिल्ड्रन, डू यू नो दैट अंगोरा वूल इज मेड फ्रॉम फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम रैबिट. आपको पता है अंगोरा जो एक वूल होता है वो किस फाइबर से बनता है? वो रैबिट हमें वो फाइबर देता है. वेयर एज काश्मीर वूल इज मेड फ्रॉम फाइबर फ्रॉम अ कैश्मीर गोट. तो कैश्मीर गोट है, उसके फाइबर से कैश्मीर वूल प्रिपेयर किया जाता है और उससे वो ड्रेसेस बनाई जाती हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो शीप, इसके जो बाल हैं इसे यूज़ किया जाता है, वूल में कन्वर्ट किया जाता है इसके फाइबर्स को यूज़ करके, और फिर उन वूल से स्वेटर्स बनाए जाते हैं. सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्क वर्म है आपके सामने, जो मलबरी लीफ पे फीड ऑन होता है. अब सिल्क वर्म को जो है ये क्या करता है, अपनी बॉडी के चारों तरफ एक कुकून बना लेता है. अब वो जो कुकून होता है वो वाइट कलर का होता है, उसमें से वो कुकून निकाल के उससे सिल्क के धागे बनाए जाते हैं. अब उस सिल्क के धागे से सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं. नेक्स्ट, आफ्टर लर्निंग अबाउट नेचुरल फाइबर्स, लेट्स लर्न अबाउट मैन मेड फाइबर्स. अब कुछ फाइबर्स हैं जो मैन बनाते हैं, हम ह्यूमन बीइंग बनाते हैं. सो फाइबर मेड बाई मैन इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर. सो ऐसे फाइबर्स जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जो मैन बनाते हैं, उन्हें हम मैन मेड फाइबर कहते हैं, या फिर उन्हें सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है. जैसे कि नाइलन हो गया, टेरिकॉट हो गया, या फिर पॉलिएस्टर हो गया, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या फिर मैन मेड फाइबर्स होते हैं. तो चलिए चिल्ड्रेन, वी हैव लर्न सो मच अबाउट क्लोथिंग. लेट्स मूव ऑन टू फ्लैश बैक एंड लेट्स रिवाइज द पॉइंट्स दैट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर. सो वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें रहने के लिए घर चाहिए. हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. अ क्लीन हाउस कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स. क्लीन हाउस हमें जो है जर्म्स से बचाता है और हेल्दी रखता है. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड इंसेक्ट बाइट. क्लोथ्स हमें हीट, कोल्ड और मच्छरों के काटने से बचाते हैं. मैन मेड फाइबर आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स इन फैक्ट्री. ये जो मैन मेड फाइबर है वो अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है जो कि फैक्ट्रीज में बनती हैं. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स. हियर द फर्स्ट वर्ड इज जर्म्स. जर्म्स क्या है? ये बहुत ही छोटे स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं जिनकी वजह से बीमारियाँ होती हैं. फाइबर क्या है? ये एक मटेरियल जिसे यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए.
नेचुरल फाइबर क्या है? फाइबर जो हमें या तो प्लांट्स देते हैं या फिर एनिमल्स देते हैं. मैन मेड फाइबर क्या है? वो फाइबर जो मैन ने बनाया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज. हियर ए एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. अ प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड, ऐसी जगह जहाँ पे हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं, क्लब, स्कूल या फिर बैंक. सो इट इज अ हाउस. अ गुड हाउस शुड हैव अ डोर विथ, एक जो अच्छा घर होता है उसमें जो डोर है उसमें और क्या चीज़ होनी चाहिए? क्या डोर में वेंटिलेटर होना चाहिए या फिर वायर नेटिंग होनी चाहिए, पोस्टर होने चाहिए या फिर विंडो होनी चाहिए? सो वहाँ पे एक वायर नेटिंग होनी चाहिए, लकड़ी की जाली होनी चाहिए वायर की. नाउ द थर्ड वन इज इट इज़ अ मैन मेड फाइबर एंड इट इज़ अ फाइबर वी गेट्स फ्रॉम एनिमल. सो दीज टू डू एज अ होमवर्क. Now children, let's move on to fill in the blanks with the correct words. So here some words are given, we have to use them to fill in the blanks. Dash are places where we live. कौन सी जगह है जहाँ पे हम रहते हैं? So we live in houses. Sunlight keeps the house. Sunlight घर को क्या रखता है? Dry. Dash protect us from heat, cold and rain. कौन हमें heat, cold और rain से बचाता है? So clothes. And this fourth one is your homework. Now let's move on to C part, which is write true or false for the following statements. So we should have very small window in our house. क्या हमारे घर में छोटा सा window होना चाहिए? False. Many होने चाहिए, बड़े होने चाहिए. Drains in the kitchen and bathroom should be left open. क्या ये जो drains हैं उन्हें खुला छोड़ना चाहिए? No. False again. We get nylon from plants. Nylon क्या हमें plants से मिलता है? False. ये तो एक मैनमेड फाइबर है. एंड वी गेट वुलन फाइबर्स फ्रॉम शीप. ट्रू. सो द लास्ट वन इज ट्रू एंड द रेस्ट आर फॉल्स. सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज चिल्ड्रन. नाउ क्विकली लेट्स मूव ऑन टू डी पार्ट विच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो व्हाई डू वी नीड अ हाउस? सो चिल्ड्रन वी नीड अ हाउस टू लिव इन बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन. Sun means heat, cold, rain and thieves and the wild animals. Next is why should the window and doors have proper wire netting? So the windows and doors should have proper wire netting because these wire nettings help the air to come in and these avoid the mosquitoes to come in from in the house. These avoid the mosquitoes and these keep them outside the house. Like this children, you have to complete question number 3 and 4 yourself. It's your homework. And children, with this the chapter is over. And we have learned about clothing and houses in the chapter. We have learned how to keep our houses clean and what type of clothes do we wear. I will meet you soon children with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.